रियासत में दूसरी बार बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ मुजरिमों और जमीन माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए मुसलसल कार्रवाई कर रहे हैं। इसी सिलसिले में बरेली के भोजीपुरा असेंबली हलके से मुंतखब समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली शहजील इस्लाम के गैर कानूनी पेट्रोल पंप पर आज बिल्डोजर चलाया गया। सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तामीर और बगैर नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप को चलाया जा रहा था, जिसमें बरेली तरक्याती अथॉरिटी की टीम ने नोटिस देने के बाद आज बिल्डोजर से पेट्रोल पंप को मुनहदिम कर दिया। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आज रामपुर रोड पर श्री शहजील इस्लाम द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोल पंप की स्थापना की गई थी और इसमें उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की गई है। इनको दिनांक 13/7/2020 में नोटिस जारी किया गया था और पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया और 31/3/2021 में इस प्रकरण में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए, क्योंकि इन्होंने ना तो कोई मानचित्र स्वीकृत कराया है और सरकारी जमीन पर कब्जा करने का भी प्रयास किया गया था। इस कारण से इसमें ध्वस्तीकरण आदेश आज दिनांक 7/3 में स्थानीय पुलिस दल के सहयोग से और प्राधिकरण स्टाफ की मौजूदगी में समस्त अवैध निर्माण दर्ज किया गया है। प्राधिकरण द्वारा लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आगे भी इसी टाइप से जो भी अनाधिकृत निर्माण जिनके मांग के स्वीकृत नहीं है उन पर बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। इसलिए सभी से ये आग्रह है कि अपना मांग के स्वीकृत कराएं अथवा उनका समन्वन करा करके अपनी स्वीकृति प्राप्त करें और जो भी सरकारी ड्यूज हैं उनको समय से जमा कराएं।